हाँ चलो, चरण स्पर्श। किसका फोन था, किसे चरण स्पर्श कर रहे थे? दादी का फोन था, बोल रही थी यहाँ आएंगी। हैं, कब आ रही है? आज दोपहर तक आ जाएंगी। हम मम्मी को बता के आते हैं। अभी मत बताओ, दादी ने बोला है मम्मी को सरप्राइज देंगी वो। अबे ओए, बताने तो नहीं तो मम्मी दादी को देख के सदमे में आ जाएंगी। अरे पागल, हम लोग तो रोज ही सदमे में रहते हैं, एक दिन मम्मी को भी सदमा लगने दो। फोन लेके 24 घंटा बैठे रहते हो, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है क्या? बनोगे वैसे ही गमट्टा तुम। जा पढ़ो जाके। जा रहे हैं। भाई जाए, इतनी दूसरे को लिवानो ना आई पात। खुसरा खुसरा। काय से आई हो दादी? काय से आई है? रोडवेज से आई हूँ। काय से? जैसे तुम्हारे बाप ने हेलीकॉप्टर खड़ो कर दो है, वे तो अपनी पत्नी की गुलामी कर रहा था। कौन आया जितना हुड़दंगा काट रहे हो? ओए, ये मम्मी कहाँ गई भाग के? हमें लगता है दादी के लिए आरती की थाली लेने गई होंगी। दादी तुम यहीं रुको, हम देख के आते हैं मम्मी को। हटो, बीच में खड़े पता नहीं कैसी माता आ रही है। हम ये नहीं रहते तो माता रही, दीदी पानी मरी गए, झंगोला पहने घूम रही है, बिल्कुल सर में नहीं रहा। झंगोला नहीं है, सलवार सूट था वो। हमारी वो झंगोला है, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, मुंह सूख रहो। मम्मी तुम साड़ी क्यों पहन रही हो? तुम्हारी दादी के मारे नई बहने को 50 बातें नहीं सुनाएंगी। तो क्या हुआ, सुन लेना 50 बातें, हम भी तो रोज सुनते हैं। क्या कह रहा? अब चाय बंद नहीं बन रही, सीधे आसाम से चाय आएगी। मम्मी चाय बनाओ जाके दादी के लिए। जा रहे हैं बनाने। वैसे अचानक कैसे आ गई? अचानक तो नहीं आई है, फोन करा था हमारे पास पहले, हमें तो सब पता था। तुम्हें पता दादी आ रही है? हाँ। तुम्हें तो देखना, हम बाद में बताएंगे। किसे का बताया जाएगा? कुछ नहीं, हम आदि से कह रहे थे नमकीन बिस्कुट ले आ जाके हम चाय बना दे दादी के लिए। तो चाय बना जाए ना, तो पूरे मोहल्ला में लंच स्पेंड करोगी। बना रहा जाके चाय। आओ दादी, अब से ये बेड आपका, बैठो आके यहाँ। हमारा बेड नहीं है, उनका बेड है, उनके बाप ने दिया था सड़ा हुआ बेड। मम्मी रुपए लाओ दादी के लिए नमकीन बिस्कुट ले आ जाके। उनके मुंह में दांत हुए जो नमकीन बिस्कुट खाएंगी। मंगा ले नमकीन बिस्कुट, हम खा लेंगे, मुंह में दांत हुए पेट में आता हो। वो तो हम मजाक कर रहे थे, मंगा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी की मजाक करी हुई आदत नहीं छूटी। अरे दादी, ऐसा मजाक वो हमारे पापा और हमसे रोज करती हैं। मम्मी पैसे दे दो, पनीर ले आए। हमारी कमर अकड़ गई किचन में खड़े खड़े, एक मिनट को हमने पीठ नहीं सीधी करी और तुम्हें पनीर खाना है? हमें नहीं खाना है। हमें खाना है, लो पैसा लेके आओ पनीर। अरे हम दे तो रहे थे रुपए, ला पैसा, हमें ला, हमें ला पैसा। मम्मी दे रही पैसा, ले जाए। अम्मा कब तक के लिए आई है यहाँ पे? अब तो दीपावली करके ही जाएंगी, ये बोल रही थी। तब तक तो हमारी रेल बन जाएगी, पता है दीपावली तक हम जिंदा रहे कि ना रहे? दादी हैं वो, मौत की सौदागर थोड़े ना है। वो मौत की सौदागर ही हैं। ये देख लो ये साड़ी पहने हम, हमें साड़ी पहनने में उभा सासी और इतनी जोर दम घुट रहा है, हमें नहीं पता आएगा कि हम दीपावली तक रहे कि ना रहे। अच्छा मेरे एक काम करोगे, दादी से कहो जाके कि दादी दीपावली की पूजा गांव में करो जाके, वहाँ भी तो दिया जलाने के लिए कोई चाहिए। ठीक है, कह देंगे जाके, कोशिश करते हैं पूरी। तुम पूछो जाके, तब तो हम छत से कपड़ा उठा के लेके आ रहे हैं जाके। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज एक रिक्वेस्ट मांग लो, एक एक प्लीज दादी, प्लीज एक रिक्वेस्ट मान लो। मान जा बुआ, जिस दिन करो है फिर हम साल भर एक त्योहार मन गाँव कौन दिया ये जलाएगा, फिर हम आएंगे बाद में। नहीं दादी प्लीज, यहाँ पे परमानेंट रुक जाओ, पता है यहाँ पे हमारी हालत कैसी हो जाती है और यहाँ पे हमारी मम्मी जेलर है, प्लीज रुक जाओ प्लीज। वो जेलर है माता रही, तो उसे हम ठीक करके जाए, यहाँ पे 4-5 दिन तो हम यहाँ रहेंगे, तुम जिंदा काय कर रहे थे? नहीं नहीं दादी, यहाँ से प्लीज मत जाओ, तुम्हें हमारी कदम मत जाना, अगर तुम गई तो देख लेना। चलो ठीक है, जो तुम लोग अब जितनी जिद दिए कर रहे हो तो हम यही बनी रहे, गाँव खेती पाती है सब बेच बाँच दिए, चलो यही रहेंगे, तुम लोग इतनी सेवा एवा कर रहे हैं, हमारा नहीं मन लगा तुम्हें।